इस वीडियो के प्रायोजक है स्मॉल केस, जिसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको चार ऐसे सेक्टर्स बताए थे जिनमें से फ्यूचर के मल्टीबैगर्स निकल सकते हैं, और उन्हीं में से एक सेक्टर था ऑटोमोबाइल सेक्टर। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऑटो स्टॉक्स के बारे में, जो कि नेक्स्ट लेग ऑफ बुल रैली में हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके दे सकते हैं, जिसके लिए हम अपने पोर्टफोलियो में ऑटोमोबाइल सेक्टर के इन पांच स्टॉक्स को 44.44% का एक्सपोजर प्रोवाइड करेंगे। पहला स्टॉक है लार्ज कैप कैटेगरी से बजाज ऑटो लिमिटेड, फिलहाल जिसका मार्केट कैप है 1,12,800 करोड़। बजाज ऑटो इज दी फ्लैगशिप कंपनी ऑफ बजाज ग्रुप, विच मैन्युफैक्चर्स टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स एंड एक्सपोर्ट्स इट टू 79 कंट्रीज, विच इज हेडक्वार्टर्ड इन पुणे इंडिया। साल 2007 में बजाज ऑटो ने KTM ब्रांड का 14% स्टेक खरीद लिया था, जो कि इंक्रीज होते हुए आज पहुंच गया है 48% तक। जी हाँ दोस्तों, ये वही KTM ब्रांड है जो स्पोर्ट्स एंड सुपर स्पोर्ट्स टू व्हीलर्स बनाती है। आज बजाज ऑटो इज द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल्स एंड द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ थ्री व्हीलर्स ग्लोबली। फाइनेंशियल ईयर 2019 में इन्होंने अपना पुराना प्रोडक्ट चेतक लॉन्च किया था एज एन इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसे फिलहाल ये एक्सपांड भी कर रहे हैं। एज ऑफ टूडे इनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, विच आर लोकेटेड इन वालूज, चाकन एंड पंतनगर, विथ टोटल कैपेसिटी ऑफ मोर देन 7 मिलियन व्हीकल्स पर एनम। एंड नाउ दे आर सेटिंग अप वन मोर प्लांट इन चाकन टू मैन्युफैक्चर हाई एंड KTM, हस्क्वर्ना, ट्रायंप एंड चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन फाइनेंशियल ईयर 2020 इन्होंने अपने टोटल रेवेन्यू का 1.6% स्पेंड किया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, जहां इन्होंने BS6 के हिसाब से 23 मोटरसाइकिल वेरिएंट्स एंड 12 कमर्शियल व्हीकल वेरिएंट्स को अपग्रेड किया था। बजाज ऑटो का पिछले 4 साल का फाइनेंशियल ट्रेंड काफी पॉजिटिव रहा है, जिसे आज की तारीख में 57% एनालिस्ट्स ने बाय रेटिंग से नवाजा है। कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका ROE एंड ROCE इज मोर देन 15%। बुक्स में टोटल इक्विटी के सामने डेट है 0 रुपीज का। करंट रेशियो इज मोर देन 1, डेटर डेज इज लेस देन 20 डेज। पिछले 10 साल का इनका फ्री कैश फ्लो रहा है तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए, जिसमें स्किन इन द गेम यानी कि प्रमोटर्स होल्डिंग है मोर देन 50%, और आज की तारीख में ये स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड पे भी अवेलेबल है। रही बात वैल्यूएशन की, तो करंटली बजाज ऑटो इज ट्रेडिंग बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। दूसरा स्टॉक है अगेन लार्ज कैप कैटेगरी से हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, फिलहाल जिसका मार्केट कैप है 56,000 करोड़ रुपए। हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक की खासियत क्या है और हमें क्यों इस स्टॉक को खरीदना चाहिए, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात करी है, जिसे अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तीसरा स्टॉक है अगेन लार्ज कैप कैटेगरी से बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फिलहाल जिसका मार्केट कैप है 44,000 करोड़ रुपीज। 1987 में BKT ने अपने ऑफ हाईवे टायर्स बनाने का बिजनेस शुरू किया था, तब से लेकर के लगातार 30 साल तक BKT ने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया स्पेशलिस्ट सेगमेंट्स पर, जैसे कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल, एज वेल एज अर्थ मूविंग, पोर्ट एंड माइनिंग, ATV एंड गार्डनिंग एप्लीकेशंस। जिसका नतीजा ये निकला कि आज BKT मोर देन 160 कंट्रीज में अपने टायर्स बेच रही है, जहां इनके क्लाइंट्स है कुछ बहुत ही फेमस OEMs जैसे कि न्यू हॉलैंड, जॉन डियर, एग्को, क्लास, JCB, कैट, सकाई, टीरेक्स एटसेट्रा। टुडे कंपनी ओन्स टायर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन वालूज, भिवडी, चोपांकी एंड भूज विद दी कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 2,85,000 मैट्रिक टन पर एनम, एंड इट ऑल्सो ओन्स अ मोल्ड यूनिट इन डोंबिवली एंड ऑल्सो ओन्स अ कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन। करंटली दे आर प्लानिंग दी कैपेक्स ऑफ 1,900 करोड़ रुपीज, विच इंक्लूड्स डी बॉटलनेकिंग एंड एक्सपांशन ऑफ इट्स भूज प्लांट, विच वुड फर्दर एड कैपेसिटीज बाई 50,000 मैट्रिक टन पर एनम बाय सेटिंग अप ऑफ अनदर कार्बन ब्लैक एंड कैप्टिव पावर प्लांट।
साथ ही दे आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स एंड विल इंस्टॉल ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स फॉर बेटर एफिशिएंसी। इसके अलावा ब्रांड रिकॉग्निशन के लिए भी कंपनी ने ढेर सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि दे आर ऑफिशियल टायर मैन्युफैक्चरर ऑफ मॉन्स्टर जैम इन USA एंड BKT इज ऑल्सो एन ऑफिशियल पार्टनर और टाइटल स्पॉन्सर ऑफ मैनी स्पोर्ट्स अक्रॉस कैनेडा, इटली, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। BKT का भी पिछले 4 साल का फाइनेंशियल ट्रेंड काफी जबरदस्त रहा है और इसे भी 57% एनालिस्ट्स ने बाय रेटिंग से नवाजा है, वेयर इट्स ROE एंड ROCE बोथ आर अबव 20%। डेट टू इक्विटी रेशियो इज लेस देन 0.5, करंट रेशियो इज कट टू कट 1 एंड डेटर्स डे इज लेस देन 50 डेज। पिछले 10 साल का इसका फ्री कैश फ्लो रहा है तकरीबन 2,000 करोड़ रुपीस और आज की तारीख में इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग है मोर देन 58%, विच इज करंटली अवेलेबल एट द डिविडेंड यील्ड ऑफ 0.71%। रही बात वैल्यूएशन की तो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव कंपेयर टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, बट बेस्ट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म SIP। चौथा स्टॉक है मिड कैप कैटेगरी से एक बैटरी मैन्युफैक्चरर एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फिलहाल जिसका मार्केट कैप है अराउंड 13,300 करोड़ रुपीस, जिस पे मैं ऑलरेडी एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बना चुका हूँ, जिसे इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। पांचवा और आखिरी स्टॉक है अगेन मिड कैप कैटेगरी से एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, फिलहाल जिसका मार्केट कैप है 20,200 करोड़ रुपीज। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग, विच ऑल्सो इंक्लूड्स एलॉय व्हील्स, सस्पेंशन, ट्रांसमिशन एंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स विद ऑपरेशंस स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। 1985 में इस कंपनी को शुरू किया था मिस्टर अनुराग जैन ने विद द हेल्प ऑफ हिज अंकल मिस्टर राहुल बजाज। जी हाँ, वही मिस्टर राहुल बजाज हु इज द चेयरमैन ऑफ बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज। इनिशियली कंपनी फोकस करती थी सिर्फ एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग वर्क पे, ओनली एंड ओनली फॉर बजाज ऑटो टिल 2004। 2004 के बाद इन्होंने अलग अलग सेगमेंट्स में काम करना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा यह है कि आज एंड्योरेंस इज द लार्जेस्ट एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग कंपनी इन इंडिया एंड दे आर ऑल्सो द लार्जेस्ट 2-wheeler and 3-wheeler ऑटो कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर, जहां इनका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कुछ इस तरह से है। 56% कम्स फ्रॉम 2-wheeler सेगमेंट, 33% कम्स फ्रॉम 4-wheeler सेगमेंट एंड 11% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम 3-wheeler सेगमेंट। कंट्री वाइज रेवेन्यू की बात करें तो इनका 71% रेवेन्यू आता है इंडिया में से और बाकी बचा 29% रेवेन्यू आता है यूरोपियन मार्केट में से। आज की तारीख में एंड्योरेंस के पास टोटल 27 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिसमें से 17 आर लोकेटेड इन इंडिया, 7 आर लोकेटेड इन इटली एंड रिमेनिंग 3 आर लोकेटेड इन जर्मनी। आज कंपनी के पास 4 DISR अप्रूव्ड R&D फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, वेयर दे हैव ऑलरेडी रिसीव्ड 11 पेटेंट्स एंड 7 डिजाइन रजिस्ट्रेशंस। और मजे की बात यह है कि कंपनी इज ऑल्सो वेटिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ इट्स 65 पेटेंट applications. एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज इज the वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर टू the ओरिजिनल इक्विपमेंट manufacturers इन both इंडिया एंड अब्रोड, विद the अमेजिंग clients लाइक हीरो मोटोकॉप, रॉयल एनफील्ड, बजाज ऑटो, TVS मोटर्स, टाटा मोटर्स एंड मैनी मोर, वेयर फ्यू ऑफ देयर अब्रॉड क्लाइंट्स इंक्लूड्स Volkswagen, Fiat Chrysler, KTM etc. etc. दोस्तों, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज ऑल्सो हैव अ वेरी हेल्दी बैकवर्ड इंटीग्रेशन फैसिलिटी, बिकॉज ऑफ विच नाउ दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड प्रोवाइडिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड फॉर दिस कंपनी ऑलरेडी हैव अ नेटवर्क ऑफ 335 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड नाउ दे हैव प्लान टू एक्सपांड देयर बिजनेस इन Tier 2 and Tier 3 सिटीज। अंडर ग्रोथ स्ट्रेटजी 2-wheelers and 3-wheelers के वो पार्ट्स जो कंपनी खुद नहीं बनाती उसका कंपनी ने ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दिया है, साथ ही हर साल नए नए देशों में एंटर करने का प्लान भी इन्होंने तैयार कर लिया है। और मजे की बात यह है कि डिस्क एंड ब्रेक सिस्टम की बढ़ती हुई डिमांड को देख करके कंपनी हैज प्लान्ड टू एक्सपांड इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बाय 90%। इस कंपनी का भी पिछले 4 साल का फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिला है, जिसे आज की तारीख में 94% एनालिस्ट्स ने बाय रेटिंग से नवाजा है, वेयर इट्स ROE एंड ROCE बोथ आर अबव 13%, डेट टू इक्विटी रेशियो इज लेस देन 0.2, करंट रेशियो इज मोर देन 1,
डेटर्स डे इज लेस देन 50 डेज। पिछले 10 साल का इनका फ्री कैश फ्लो रहा है अराउंड 2500 करोड़ रुपीज, विद अमेजिंग प्रमोटर होल्डिंग ऑफ 75% एंड करंटली इट इज अवेलेबल एट द डिविडेंड यील्ड ऑफ 0.44%। रही बात वैल्यूएशन की, तो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल एट द एक्सपेंसिव प्राइस कंपेयर्ड टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, बट फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक दिस कुड बी एन अमेजिंग बेट। सो दोस्तों, ये थे मेरे पसंदीदा 5 स्टॉक्स फ्रॉम ऑटो सेक्टर। But as I say, you should never buy and hold any business blindly, because none of the stock remains best forever. Hence, we have to focus on a portfolio जिसमें कम से कम 10 stocks तो होने ही चाहिए, जिसे हम समय के साथ, fundamentals के साथ और valuation के साथ periodically rebalance कर सके। और इन सारे criterias को fulfill करने के लिए there is an amazing small case by the name of Auto Tracker, which is a medium volatility portfolio, जिसका पिछले 6 साल का compounded return रहा है 8.16%। Now here, what I personally believe is, आज से exactly 3 से 4 साल बाद, यानी कि जब इस small case के 10 साल पूरे हो जाएंगे, तब इस portfolio का performance हमें CAGR 15% to 20% भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों, हमें उस पे focus नहीं करना है जो already हो चुका है, हमें फोकस करना है उस पे जो होने वाला है या हो सकता है। आज की तारीख में स्मॉल केस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तकरीबन 42,000 रुपए, जो कि ऑटो सेक्टर के अलग अलग 13 स्टॉक्स में डिवाइड हो जाएंगे, जिसे क्वार्टरली बेसिस पे रीबैलेंस किया जाएगा, जहां इसका अगला रीबैलेंसिंग ड्यू है ऑन 16 सितंबर 2022। रही बात एक्सपोजर की, तो फिलहाल इसके पोर्टफोलियो में 40% एक्सपोजर दिया गया है लार्ज कैप स्टॉक्स को, 39% एक्सपोजर दिया गया है मिड कैप स्टॉक्स को, और बाकी बचा 21% एक्सपोजर दिया गया है स्मॉल कैप स्टॉक्स को। जहां मेरे बताए हुए 5 स्टॉक्स की अगर हम बात करें, तो बजाज ऑटो का वेटेज है 9%, हीरो मोटोकॉर्प का वेटेज है 8.78%, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का वेटेज है 7.08%, एक्साइड इंडस्ट्रीज का वेटेज है 7.86%, और सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज को, जो कि है 11.71%। इसके अलावा बाकी के बचे हुए जो 8 स्टॉक्स है, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह ऑटो सेक्टर पे बुलिश हो, तो यू कैन सिंपली बाय दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। एक बात का खास ध्यान रहे कि किसी भी स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना कंपलसरी है, जिसके लिए अ डिस्काउंट ब्रोकर लाइक जीरोधा कैन बी द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन। आई थिंक खास स्मॉल केस के लिए आपको जीरोधा में भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ डिलीवरी पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। जीरोधा की भी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। मेक श्योर कि नीचे दी गई लिंक को यूज करके ही आपको जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करना है, और नीचे दी गई लिंक को यूज करके ही आपको स्मॉल केस भी परचेस करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।